खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बीजेपी विधायक अतुल भातलकर और नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह के दिशा निर्देश पर जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच रही है अनिता तावड़े। जी हां, कोरोना वायरस के बचाव को देखते हुए चौथा लॉकडाउन शुरू है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पर इस बीच जरूरतमंद असहाय लोगों तक अतुल भातलकर और ठाकुर सागर सिंह के निर्देश और आशुतोष पांडे, नितिन चौहान के नेतृत्व में घर घर जाकर अनिता तावड़े लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचा रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जमील कंपाउंड में रहती हूँ, मेरा नाम नूरजा इमरान मंसूरी है। जिस तरह से कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया, इसमें काफी दिक्कतों का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें आपके नया के नगर सेवक की बात करें, विधायक की बात करें या फिर महाराष्ट्र सरकार की बात करें, वो कितनी मदद कर पा रहे हैं और कितनी मदद आप तक पहुँच पा रही है उनकी तरफ से? मैं पहले तो हमारे नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह और हमारे आमदार अतुल भातकलकर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से बताती हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। पूरा रमज़ान हम रोज़ेदारों के लिए इफ्तारी दी गई, फिर यहाँ पे अनाज बांटा गया, दूध दिया गया, और सबसे ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ कि मोरारजी मिल कंपाउंड में हमारी तावड़े मैडम रहती है, जिन्होंने वहाँ से लाकर इस लॉकडाउन के समय पर उन्होंने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की। उनके साथ आशुतोष पांडे भी थे, जो उन्होंने बराबर बराबर हिस्सा लिया, और उन लोगों ने इतनी अच्छी सेवा की हमारी, वो टाइम टू टाइम हर चीज़ हमको प्रोवाइड की, तो यहाँ तक कि खाना भी। ये रोजा में ही आपको सेवा दी गई या फिर लॉकडाउन के पहले दी? नहीं, लॉकडाउन से पहले ही इनकी तो सेवा करने की आदत है। वही तो बता रही कि हम लोग खुश नसीब है कि ये मोरारजी मिल कंपाउंड में हमारे साथ हर चीज़ में हिस्सा लेते। लॉकडाउन तो अभी हुआ, उससे पहले भी हमेशा सेवा में लगी रहती है। और आप कितने, आप हो या फिर आपके सोसाइटीज कंपाउंड की बात की जाए, यहाँ पर लोग कितना ध्यान देते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, या फिर आपको आपके आपके नगर सेवक और आपके विधायक की तरफ से अगर बात करें, तो वो किस प्रकार से आपको इस बात को समझा पा रहे हैं कि आपको कितना ध्यान देना चाहिए? नहीं, यहाँ पे बराबर से सब आते हैं, यहाँ पे सैनिटाइजर भी किया गया, बिल्डिंगों को सैनिटाइजर करके उन्होंने हर तरीके से जितनी हेल्प चाहिए उन्होंने हमारी हेल्प की है। और यहाँ के भी लोग बड़े समझ के काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे कोई अभी तक तो दिक्कत आई नहीं है और अच्छे से सब कामकाज हो रहा है, यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से चल रही है। हमारे यहाँ के नगर सेवक है जो, और जितने भी यहाँ हमारी बिल्डिंग के लोग हैं और जो हमारे मैडम है तारे मैडम, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लोग को साथ दिए, और लॉन्ग डिस्टेंस रखने के लिए सभी को कहा गया कि जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रखोगे उतना आप उन लोग सेफ साइड रहेंगे। और अलहमदिल्ला अभी तक का तो बिल्डिंग पूरी हमारी सेफ साइड है, लगभग 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, मगर अब तक कोई भी केस यहाँ बना हुआ नहीं है, क्योंकि सारे लोग डिस्टेंसिंग बना के रखे हैं। और ऐसा कुछ भी रहता है तो तावड़े मैडम फौरन आके कोऑपरेट करते हैं और ऐसा किसी भी चीज़ की दिक्कत होने नहीं देते हमारे। तो लॉकडाउन के दौरान सबके काम बंद है, सब कुछ बंद है, लोगों की रोजगार बंद है, इस दौरान लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही है, तो इस बात पर कितना ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग कोई भूखा ना रहे, उनके घर तक भोजन पहुँचे, उनके घर तक फूड पैकेट पहुँचे? इसके लिए तो हमारे लिए हमारी मैम है बिल्डिंग के अंदर, सबको कोऑपरेट कर रहे, पूछ रहे सबको कि भाई किसी को किसी कुछ किस्म की तकलीफ हो तो इनसे जाके कहते हैं कि भाई घर के अंदर अनाज की तकलीफ है, ये चीज़ की तकलीफ है। तो अलहमदिल्ला तावड़े मैडम वो सब चीज़ के लिए फौरन आगर आके उनकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। ओके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से लोगों की, जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के विधायक किस प्रकार आपकी सेवा कर रहे हैं? क्या आप तक हर सेवा पहुँच रही है, चाहे वो सैनिटाइज़र हो आपके सोसाइटी में या फिर फूड पैकेट या भोजन हो? हाँ, ऐसे तो सब कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा था, और ये सब फैसिलिटी वगैरह भी हो रही है हमारी सोसाइटी में। अभी तक क्या क्या आपकी फैसिलिटी आप तक पहुंच पाई है? वही थोड़ा अनाज वगैरह मिला है, फ्रूट्स वगैरह,
सब मिलता है। तो नगर सेवक विधायक आते हैं आपके बीच में कभी, वो आए या पूछे या फिर उनके तो उनके उनके कार्यकर्ता आपके बीच में आ गए? नहीं, वो सब नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो लोग हेल्प करते हैं हम लोग को।